हर्बल रेमेडीज एंड नेचर स्ट्रेजर में आपका स्वागत है मित्रों। आज बात करेंगे एक वीड की, कांग्रेस ग्रास, गाजर घास भी आप कहते होंगे, और ये एस्टेरिसी कुल का हाईली मेडिसिनल प्लांट है। हम इसको जनरली खरपतवार के रूप में जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि विशेष गुणकारी होते हैं। मित्रों, पार्थिनियम हिस्टीरोफोरस के नाम से साइंटिफिकली इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। इसका आप इन्फ्लोरेशंस देख रहे होंगे, जो वाइट कलर के जो फ्लावर्स हैं ये आप कितने देखने में सुंदर लग रहे हैं। और इसका औषधीय गुणों के लिए अगर मैं बताऊं, तो ये रूमेटिज्म की समस्या के निराकरण के लिए उपयोग में लाते हैं। आप इसके पत्र का पेस्ट बनाकर इन्फ्लामेशन, रूमेटिज्म, एक्जिमा, हर्पीज, इसके निराकरण के लिए इसका पेस्ट बनाकर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना है और उसके बाद लूकवार्म वाटर से आप इसको वॉश कर सकते हैं। दिन में 2 बार कम से कम अप्लाई करना चाहिए। मित्रों, इस प्लांट को सेंटा मेरिया फीवर फ्यू भी कहते हैं। ये फीवर की भी रेमेडी है। बुखार के निराकरण के लिए आप इसके कोमल पत्र ले लीजिए और उसका डिकॉक्शन बनाइए। लेकिन यहाँ पे एक सेफ्टी भी अपने को रखनी पड़ेगी कि ये जो फ्लावर्स हैं इनके अंदर पोलन ग्रेन्स भी होते हैं, जो कुछ व्यक्तियों में हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कॉज करते हैं, या फिर मैं कहूँ एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं, अस्थमा भी कॉज कर सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस भी कॉज कर सकते हैं। तो ये प्रकृति इसकी इस तरह से है कि ये सभी को सूट नहीं करती है। और अगर हमें काढ़ा बनाने के लिए सेवन करना है तो इन्फ्लोरेसेंस से पहले वाली जो स्थिति होती है, फ्लावरिंग से जो पहले वाली स्थिति होती है, उस स्थिति के प्लांट का हमें कलेक्शन करना चाहिए और उसका काढ़ा बनाकर हमें पीना चाहिए। इसको हम इमिनागोग के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इमिनागोग होते हैं जो हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं, और हॉर्मोन्स के रेगुलेट होने के बाद हॉर्मोन से जुड़े हुए जो डिसऑर्डर्स हैं, खास तौर से यूरिनोजेनाइटल डिसऑर्डर्स हैं या फिर गायनोकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका भी आसानी से निराकरण करता है। मित्रों, प्रारंभिक अवस्था में हमें ये देख लेना चाहिए कि अगर ये हमें अच्छा कार्य करते हुए सूट कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, तो हमें इसको लेना चाहिए। अन्यथा अगर एलर्जिक रिएक्शंस आएँ तो हमें तत्काल बंद कर देना चाहिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो इससे एलर्जी हो गई है वो दूर हो जाती है। बहुत ही सेफ है, तो आप इसको एज ए हार्मोन। साथियों, आप फीवर के लिए, स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए, हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए, और आप इसको गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सेफ रेमेडी है, और हाइपर सेंसिटिव पीपल कुछ हैं तो उनमें हमें इसकी एलर्जिक रिएक्शंस का ध्यान रखना चाहिए। अस्थमा कॉज कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस कॉज कर सकता है, उसकी भी हमें सेफ्टी रखनी चाहिए। मित्रों, इस प्लांट के अंदर विभिन्न प्रकार के जो केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं वो हर्बिसाइड एक्टिविटी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये नेचुरल हर्बिसाइड भी है। इसको आप ऑर्गेनिक कल्टिवेशन करने के लिए आप इसके प्लांट का डिकॉक्शन बनाकर अगर स्प्रे करेंगे तो और प्लांट जो आपकी क्रॉप के लिए अच्छे नहीं हैं उनको ये धीरे धीरे एलिलोकेमिकल इफेक्ट के माध्यम से समाप्त कर देता है और बहुत अच्छा ही कार्य करता है। विभिन्न प्रकार के मिनरल्स, मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स एक्सेस अमाउंट में इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि नेचुरल प्लांट को सप्लीमेंट देने का भी कार्य करते हैं और हर्बिसाइड का भी कार्य करते हैं। ये नेचुरल फंजीसाइड का भी कार्य करता है, नेमेटिसाइड का कार्य करता है, इंसेक्टिसाइड का कार्य करता है। तो मैं समझूं कि जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स हैं उनके रेमिडिएशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वंडरफुल ये फाइटो रेमिडिएटर है, जो कि सॉइल की हैवी मेटल्स, सॉइल में डाई के मेटल्स जो होते हैं उनको ये अपने रूट के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से ये फाइटो रेमिडिएटर है, नेचुरल हर्बिसाइड है, फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, निमेटिसाइड है, और इस प्लांट की मलेरिया फीवर में भी बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। मलेरिया के पेशेंट को आसानी से, मलेरिया के रोगी को ये निराकरण, रोग को निराकरण करते हुए हील करने का इसके अंदर क्षमता होती है। प्रोपेगेशन के लिए किसी विशेष आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम इसको
अधिकतर पूरे वर्ल्ड में इसको एज ए खरपतवार तो जानते हैं, लेकिन औषधीय गुणों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कुनप जल प्रिपरेशन होती है, ये हमारे ट्रेडिशनल टेक्स्ट में वर्णन है इस फॉर्मुलेशन का। कुनप जल में भी आप इसको चॉपिंग करके डाल सकते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस प्रकार से आपने जाना कि ये ना केवल वीड है जबकि ये हाईली मेडिसिनल प्लांट भी है, और ये नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारे लिए सहायक हो सकता है। इसके औषधीय गुणों को हम और एक्सप्लोर करें और जानें, और इस प्रकार से आप इसको अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के डिसऑर्डर्स के रेमिडिएशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नित्य प्रति आपको एक नए प्लांट की जानकारी, औषधीय प्लांट की जानकारी मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद।